And now once again, for your weekly checkup and dose of laughter, we have our show doctor. Please welcome Dr. Sanket Bhosale. शौक लगा। शेखर जी आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे संजय दत्त जी का फोन आया था मेरा फर्स्ट एक्ट देखने के बाद। हेलो संकेत, डॉक्टर संकेत, मैं संजू बाबा बोल रहा हूँ। बाबा बाबा। अरे संकेत, तूने जो मेरी आवाज निकाली है इतनी अच्छी निकली, इतने अच्छे से तो मैं खुद नहीं निकल पाता। बाबा थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नहीं, थैंक यू नहीं, तूने वो पार्टी का इतना भांडा फोड़ा है उसमें चंकी का नाम नहीं लिया है। नहीं इनफैक्ट चंकी ने तो मेरे को इतनी पिलाई थी। अभी एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। लाइफ में दो चीजें बहुत डिफिकल्ट रहती है, एक किसी की आवाज कॉपी करना और दूसरी हेलमेट पहन के पप्पी लेना। बाबा क्या बोल रहे हो आप बाबा? अरे जोक मारे जोक हंसना। तेरे को क्या लगता है खाली तू ही जोक मार सकते क्या? चलो रखता हूँ, गुड मॉर्निंग। एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, इनकी एक्टिंग का मैंने मेडिकल एनालिसिस किया है तो मुझे ऐसा लगा कि ये दे आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज, उनको कोई बीमारी है। संजय दत्त को ही देख लो, इन्हें स्टैंडिंग वॉकिंग डिजीज है। अरे मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, इधर से जाने के बाद तुम लोग पहले लेफ्ट में जाओ, फिर लेफ्ट में जाने के बाद तुम लोग को एक बड़ी वैन दिखेगी, वैन के अंदर बैठने का नहीं है। इसमें आदमी चलता रहता है लेकिन के पहुंचता नहीं। अजय देवगन, इन्हें देखकर ऐसा लगता है किसी दवाई का साइड इफेक्ट हो गया। इनकी गर्दन हमेशा एक साइड पे होती है। बचपन में पिताजी ने कहा था जब एक्टिंग सीधी गर्दन से ना हो ना तो गर्दन टेढ़ी कर लेता। आज तक तुम लोगों ने मेरी ये साइड देखी है लेकिन बोल बच्चन के बाद तो तुम लोगों ने मेरी ये साइड भी देख लिया, ये साइड भी। सलमान खान, इन्हें हाइटो एडजस्टोमेनिया। इसमें क्या होता है, हाइट कम होने के कारण वो कंधों से एडजस्ट करते हैं। अच्छा तुम्हारी हाइट कितनी है? 5'8"। हाँ बोलो क्या कर रहे हो? तुम्हारी कितनी है? 5'6". जी हाँ बोलो तुम क्या कर रहे हो? नाना पाटेकर, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है, ये बहुत पॉजिटिव है, इतने पॉजिटिव है इन्हें हर बुराई में अच्छा ही नजर आती है। यहाँ पे आते रहो कहते अच्छा है, बहुत अच्छा है। ए ढोलकी वाले, कल गलत बजा रहा था आज भी गलत बजा रहा है लेकिन अच्छा है, गलत बजाएगा तभी सीखेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक मिनट। किसी ने कहा नाना जी मेरे दादाजी गुजर गए। अच्छा है, सभी को मरना है एक दिन, अच्छा हुआ मर गया वो, बहुत अच्छा है। पंजाबी सिंगर्स, इनके पास दो आवाजें होती हैं, एक आवाज में वो गाते हैं, एक आवाज में बात करते हैं। ओ भाई किद्दा चंगा, वधिया वधिया वधिया, आपके सामने गाना पेश करूंगा राइट हियर राइट नाउ। ओ रे छल्ला इंडिया तो आया। ओए पानी लिया, पानी पानी लिया। ओ छल्ला इंडिया तो आया, ओ जिंदड़ी नु कम ते लाया, ओ दिल नु खिच दे माया। ओए तो अभी भी इधर ही खड़ा है, पानी नहीं ले यार, पानी ले। रात दिन टैक्सी चला था। फिल्म स्टार्स फिल्मों के अलावा सोशल कामों में भी नजर आते हैं। आजकल फरहान अख्तर वेजिटेरियन खाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं फरहान हूं और मैं आपको ये बताने आया हूं कि खाओगे वेजिटेरियन तो इट विल हेल्प यू अ लॉट, बिलीव मी और नॉट। वेजिटेरियन फूड इकोनॉमिकल भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप चिकन टिक्का खाओ तो आपका बिल होगा 70-80 रुपीज, और अगर आप खाएंगे पनीर टिक्का तो आपका बिल होगा 30-40 रुपीज, यानी कि 50% से आपका बजट होगा कट शॉर्ट, बिलीव मी और नॉट। और हमारे साथ यहाँ पर आ चुके हैं कैलाश जी। कैलाश जी प्लीज आइए। धन्यवाद फरहान। वेजिटेरियन बात सुनकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है, बचपन से ही मेरा वेज की तरफ बहुत झुकाव रहा है। कैलाश जी सॉरी टू इंटरप्ट लेकिन अभी भी आपका बचपन ही चल रहा है। बचपन में जो मैंने बहुत सब्जियां खाई है, मुझे बहुत तंदुरुस्त ताज़ा रखा है सब्जियों ने। मैं यहाँ पर केवल बातें करने नहीं आया हूँ, मुझे इतनी वेजिटेरियन सब्जियां पसंद है कि दूर कहीं खलियानों में मैं हरी घास देखता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। कैलाश जी व्हाट यू आर सेइंग यार, प्लीज कंट्रोल।
मुंह में पानी आने एंड दैट टू फॉर हरी घास. मैं यहाँ पर ऐसे नहीं आया हूँ बातें करने, मैं साथ में मेरे एक सब्जियों का बोरा लाया हूँ मेरे साइज का, ये आज मैं बेच कर ही जाऊंगा. आलू गोभी मटर टमाटर ताजे ले लो, भाव बढ़ जाएगा. दूध तिंडी बैंगन भिंडी सस्ते ले लो, भाव बढ़ जाएगा. भरता बनाओ बैंगन से हलवा बनाओ, दूधी से दादर से सब्जी लाया हूँ मैं जो महंगा पड़ा ब्रदर. के सब्जी के धंधे ऐसे, सब्जी के धंधे, सब्जी के धंधे ऐसे, ना बिके तो सड़ जाएगा. थैंक यू वेरी मच कैलाश जी. कैलाश जी हमारे साथ आ चुके हैं यहाँ पर सोनू निगम जी. सोनू निगम आ चुके हैं. अब सोनू निगम आए थे वेजिटेरियन फूड को प्रमोट करने, लेकिन और ही कुछ प्रमोशन शुरू कर दिया इन्होंने हाल ही में. मैंने दिल्ली में एक चाट की दुकान खोली है. सोनू चाट. मैंने वहाँ पर नई स्कीम शुरू की है, 10 रुपये में सोनू की चाट खाइए और 18 रुपये में सोनू की डबल चाट खाइए, 2 रुपये का फायदा. हमें जानकर बहुत खुशी हुई सोनू जी, हम बहुत खुश हैं सोनू जी. सोनू जी बताइए, आपकी चाट यानी कि सोनू की चाट ये रिंकू मिंकू और टिंकू की चाट से कैसे अलग है सोनू जी? बहुत ही औंदा सवाल है आपका. और देखिए मैं एक लेजेंड हूँ तो मेरी चाट भी बहुत लेजेंडरी है. मेरी चाट में वो खटास है इसके मसालों में जो खाते ही आप ऐसे करोगे इसमें वो तीखेपन की मस्ती है जो आपके खाते ही अंदर से आवाज आएगी आपका दिल खुश हो जाएगा और कहेगा वाह. हमें जानकर बहुत खुशी हुई सोनू जी. सोनू जी बताइए, आपकी चाट की दुकान पर और क्या क्या मिलता है सोनू जी? सोनू आई ऑल राइट. सोनू क्या हुआ? सिंचना शिवपुरी भेलपुरी सिंचना दहीपुरी पानीपुरी मसाले है जफराना उस पे ये सिंचना. तू खा ले जरा या लेके तू जा, ये मर्जी तेरी. तू खा ले जरा. थैंक यू, थैंक यू मच. बहुत अच्छा. थैंक यू संगीत. मैं बहुत एंजॉय कर रहा था. आप जो भी आवाज़ निकालते हैं ना, बहुत ही उसमें जैसे फरहान निकालते हो, उसका जो एंड में आप सांस छोड़ते हो जो उस पर मुझे इतनी हंसी आती है. देन कैलाश खेर की जो हरी घास को देख के उनका जो मुंह में पानी आता है. आपसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं. आप अगर बहुत अच्छा करोगे तो मैं जो भी मेरे शोज होंगे आने वाले उसमें मैं आपको अपने साथ रखूंगा. पक्का अच्छा करेंगे. आप में ये खास गुण है जो आपने किया फरहान का या संजू बाबा का या सलमान का या सोनू जिसका भी किया, बहुत बहुत अच्छा किया पिछली दफा भी इस दफा भी. थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस वंस अगेन. थैंक यू. बहुत अच्छा. डॉक्टर संकेत, बिलीव इट और नॉट बट आप मेरे सबसे फेवरेट कॉन्टेस्टेंट है इस मंच पर. सो आई थिंक कीप इट अप. और जो आपका जो सबसे अच्छा हाई पॉइंट है वो है बॉलीवुड, तो उसको आप और एक स्टेप अहेड ले जा सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू मच.